फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड आर ज्ञानोदय। दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल स्टडी वर्ल्ड या ज्ञानोदय में स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 जून 2020 और आप सभी को पता है कि आज यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा और हमारे न जाने कितने भाई बहन 12:30 बजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, करंट अफेयर्स और न्यूज पॉइंट के सेशन में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे डिटेल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी 26 जून 2020 यानी कल के डेट में उत्तर प्रदेश के किस जिले में टिड्डियों ने हमला बोला है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में करोड़ों की संख्या में टिड्डियों ने हमला बोला है, जिसे भगाने के लिए ग्रामीणों ने थालियां इत्यादि बजाए हैं, क्योंकि उन्हीं के झनकार से वो फसलों पर नहीं बैठ सकती हैं, वो आगे की उड़कर आगे जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिजिटल पर रिलीज हो रही फिल्मों में अब सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म कौन सी है जो 24 जुलाई 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी? जो कि देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की यह आखिरी फिल्म है जो कि हम लोगों के लिए एक यादगार के रूप में रहेगी, वह फिल्म है दिल बेचारा। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म का पोस्टर गुरुवार 25 जून को जारी किया गया है? तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म है? फिल्म है मैं मुलायम सिंह यादव, और इनके निर्देशक कौन है? शुभेंदु राज घोष, और अभिनेता कौन है? अमित सेठी। यह फिल्म अगस्त में रिलीज होगी और इसके पोस्टर में डेट के बजाय लिखा है हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, अभी हाल ही में भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस से बचने के लिए शारीरिक दूरी के लिए चेतावनी देने वाली किस डिवाइस को तैयार किया है? यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी भारतीय मूल के किस ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए वह कौन सी डिवाइस को बनाया है जो कि हमें वार्निंग देती है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वह कौन सी है? तो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक विग्नेश मुरुगन ने जोल कुपर होल्ज के साथ मिलकर प्रॉक्सिमिटी यानी करीबी दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, करीबी मित्र नामक डिवाइस बनाया है। अब देखिए, यह डिवाइस 2 मीटर की दूरी होने पर पीली चमकती रोशनी के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करता है। अब देखिए, यह डिवाइस इस प्रकार कार्य करती है, यह तीन सिद्धांत पर कार्य करती है, तीन प्रकार से। जैसे देखिए, पहला, यदि दो मनुष्यों के बीच 2 मीटर से अधिक दूरी है तो क्या होगा, यह संकेत करेगी कि आप शांत और सुरक्षित हैं, यानी कि आप ग्रीन जोन में हैं। और देखिए सेकंड नंबर, यदि 2 मीटर या इससे कम दूरी है, कम दूरी पर आप हैं, तो यह सचेत करेगी आपको कि आप येलो जोन में हैं, ये सचेत करेगी। इसमें क्या होगा, पीली बत्ती जलेगी उसे डिवाइस से और आपको सचेत करेगी कि आप दूरी बनाए रखें। और देखिए, यदि आप ज़्यादा करीब 1.5 मीटर या इससे कम दूरी पर हैं तो इसमें से रेड कलर की बत्ती जलेगी और आपको बहुत तेज़ी से इसमें से ध्वनि निकलती हुई चेतावनी देगी, वार्निंग देगी कि आप रेड जोन में हैं, यानी आप खतरे में हैं। ये इस प्रकार डिवाइस कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, अभी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के देखने पर
$400 का जुर्माना लगाया गया। देखने पर $400 का जुर्माना लगाया गया। तो उत्तर क्या है? ब्राजील के राष्ट्रपति जेम्स बोल्सोनारो पर। तो इन्हें क्या किया गया? सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के देखा गया, इसलिए वहां का रूल है कि $400 का जुर्माना लगाया जाएगा, इसलिए इन पर भी $400 का जुर्माना लगाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अभी हाल ही में 26 जून शुक्रवार को अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा तैयार किस संपूर्ण स्वदेशी ऐप का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया? तो देखिए ये है ऐप LMS ऐप है, जिसे योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया है। यह एक ऑनलाइन शिक्षा के लिए है, इसमें कई विद्यालयों को आपस में जोड़ा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।